हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। व्हाट इज़ अ सुपर कंप्यूटर? दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर द लार्जेस्ट व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर साइज। इन द टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइज, ये जो कंप्यूटर्स होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं। दस दे आर द मोस्ट एक्सपेंसिव वंस इन द मार्केट। What is a mainframe computer? These types of computers are comparatively smaller in size than supercomputers. ये जो computers होते हैं ये smaller होते हैं size में as compared to supercomputers. And also the mainframe computers are slower in speed and help in storing large amount of database in them. चलिए start करते हैं difference between supercomputer and मेन फ्रेम कंप्यूटर। फर्स्ट डिफरेंस इज सुपर कंप्यूटर्स आर यूज फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस। जो सुपर कंप्यूटर्स है इसका हम यूज़ करते हैं लार्ज और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक कंप्यूटेशंस के लिए, जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स सपोर्ट्स मल्टी प्रोग्रामिंग, स्टोरेज ऑफ लार्ज डेटाबेस and can serve a large number of people at a time. जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है वो सपोर्ट करता है मल्टी प्रोग्रामिंग को, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस को स्टोर करता है, और ये सर्व करता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक साथ ही। एंड कैन सर्व अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर्स आर यूज फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, वाइल मेन फ्रेम कंप्यूटर्स सपोर्ट्स मल्टी प्रोग्रामिंग, स्टोरेज ऑफ लार्ज डेटाबेस एंड कैन सर्व अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम। नेक्स्ट डिफरेंस इज साइमोर क्रे इन्वेंट्स द सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया था? साइमोर क्रे ने। द फर्स्ट सक्सेसफुल मेन फ्रेम कंप्यूटर इज इन्वेंटेड बाय IBM। और मेन फ्रेम कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया था? वो किया था IBM ने। साइमोर क्रे इन्वेंट्स द सुपर कंप्यूटर, वाइल द फर्स्ट सक्सेसफुल मेन फ्रेम कंप्यूटर इज इन्वेंटेड बाय IBM। नेक्स्ट डिफरेंस इज सुपर कंप्यूटर्स आर द लार्जेस्ट कंप्यूटर्स। जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो लार्जेस्ट कंप्यूटर्स हैं, वाइल मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर स्मॉलर इन साइज देन सुपर कंप्यूटर्स। लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं वो स्मॉलर होते हैं साइज में एज कंपेयर टू सुपर कंप्यूटर्स। साइमोर क्रे इन्वेंट्स द सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स आर द लार्जेस्ट कंप्यूटर्स, द फर्स्ट सक्सेसफुल मेन फ्रेम कंप्यूटर इज इन्वेंटेड बाय IBM एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू सुपर कंप्यूटर्स। नेक्स्ट डिफरेंस इज सुपर कंप्यूटर, दिस आर द मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स हैं, वाइल मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर लेस कॉस्टली देन सुपर कंप्यूटर्स। लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है वो कम कॉस्टली है एज कंपेयर टू सुपर कंप्यूटर्स। नेक्स्ट डिफरेंस इज सुपर कंप्यूटर्स स्पीड इज मोर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इट कैन एग्जीक्यूट बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद इन अ सेकेंड। सुपर कंप्यूटर्स की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, और ये जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को विद इन अ सेकेंड, वाइल मेन फ्रेम कंप्यूटर्स स्पीड इज कंपेरेटिवली लेस देन सुपर कंप्यूटर्स। इन दिस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की जो स्पीड है वो कम होती है एज कंपेयर टू सुपर कंप्यूटर्स, और ये जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को साइमल्टेनियसली। सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज कंपेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, और सुपर कंप्यूटर्स की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को विद इन अ सेकेंड,
और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की जो स्पीड होती है वो कंपेरेटिवली लेस होती है एज कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर्स. इन दिस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली. नेक्स्ट डिफरेंस इज द परफॉर्मेंस ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इज फास्टर एंड मच बेटर. जो परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर्स की होती है वो फास्टर होती है और कई बेटर होती है एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. वाइल द परफॉर्मेंस ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर स्लोअर एंड लेस इफिशेंट देन सुपर कंप्यूटर्स. लेकिन परफॉर्मेंस मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की स्लोअर होती है और कम इफिशेंट होती है एज कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर्स. नेक्स्ट डिफरेंस इज सुपर कंप्यूटर्स मेक यूज ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स डेरिवेटिव वेरिएंट्स. सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को और उसके डेरिवेटिव वेरिएंट्स को. वाइल मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कैन हैव मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स साइमल्टेनियसली. जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को साइमल्टेनियसली. सुपर कंप्यूटर्स मेक यूज़ ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स डेरिवेटिव वेरिएंट्स. वाइल मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कैन हैव मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स साइमल्टेनियसली. सुपर कंप्यूटर्स कैन हैव अ प्रोसेसिंग स्पीड इन द रेंज ऑफ 100 to 900 MIPS. MIPS मीन्स मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. सुपर कंप्यूटर्स की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो किस रेंज में होती है? वो रेंज होती है 100 to 900 MIPS. वेयर एज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कैन हैव अ प्रोसेसिंग स्पीड इन द रेंज ऑफ 3 to 4 MIPS टू एज हाई एज 100 MIPS. और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो रेंज में होती है 3 to 4 और वो हाई जा सकती है 100 MIPS. MIPS means million instruction per second. What is a supercomputer? These types of computers are the largest when it comes to computer size. Thus, they are the most expensive one in the market. Supercomputers make use of the Linux operating system and its derivative variants. What is a mainframe computer? This type of computers are comparatively smaller in size than supercomputers, and also the mainframe computers are slower in speed and help in storing large amounts of database in them. Whereas mainframe computers can have a processing speed in the range of 3 to 4 MIPS to as high as 100 MIPS. MIPS means million instructions per second. So ye tha difference between supercomputer एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.